स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम प्लस टू स्कूल में, बिहार में प्लस टू स्कूल में जो पुस्तकालय अध्यक्ष का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए योग्यता क्या होगा, चयन प्रक्रिया उसका क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसमें, वेतन क्या है लाइब्रेरियन का बिहार में प्लस टू स्कूल में, और कब बहाली आपका आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, बहाली कब तक हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले टोटल वैकेंसीज़ का बात कर लेते हैं कि आखिर रिक्ति जो है कितना है टोटल। तो देखिए, कुल पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि टोटल लाइब्रेरियन का जो आवश्यकता है बिहार में प्लस टू स्कूल में वो 9210 है। ठीक है, 9210 लाइब्रेरियन की आवश्यकता है, लेकिन 2789 जो पद है। अब देखिए, 9210 की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि पहले 9210 पद जो है वो क्रिएट होना चाहिए, उसका जगह होना चाहिए, कैबिनेट से 9210 पद का स्वीकृति होना चाहिए, उसके बाद ही उस पर बहाली संभव हो पाता है। तो 2789 पद जो है पहले से स्वीकृत है लाइब्रेरियन का, ठीक है, और 6421 पद जो 9210 में से यदि आप 2789 को घटा देंगे तो 6421 पद का और ज़रूरत है स्वीकृत करने का, उसको क्रिएट करने का ज़रूरत है, जिसका स्वीकृति जो है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो टोटल आपका 9210 ये हो जाता है। तो पुराना रिक्ति जो 2789 स्वीकृत पद है उसमें से पुराना रिक्ति आपका 893 यानी कि 893 पद जो है वैकेंट है उसमें 2789 में से। ठीक है, और नया जो स्वीकृत होगा अभी 6421 वो तो बिल्कुल नया है, तो 6421 हो गया ये, और प्लस 893 यानी कि पुराना और नया को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल 7314 पद पर आने वाले समय में आपको जो है इस पर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और 7314 लाइब्रेरियन के पद पर जो है बहाली होगी। ठीक है, अब आगे क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आखिर क्या होगा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए प्लस टू स्कूल में। तो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में आपको स्नातक होना अनिवार्य होगा इसमें। ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री आपको लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलिब हो या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिलिस। ठीक है, बिलिब या बिलिस जो भी आप किए हुए हो, बैचलर डिग्री आपका पुस्तकालय विज्ञान में होना चाहिए और साथ में एंड, ठीक है, STET जो लाइब्रेरी साइंस में होगा, अभी हुआ नहीं है, एक भी बार ये हुआ नहीं है STET लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, या लाइब्रेरियन के लिए अलग से आप इसको पात्रता परीक्षा कह लीजिए, जैसे भी ये कंडक्ट किया जाए, ये एक बार भी नहीं हुआ है, लेकिन STET क्वालिफाइड होना आपको लाइब्रेरी साइंस में अनिवार्य होगा। ये दोनों आपका योग्यता हो गया, ठीक है, प्लस टू स्कूल में लाइब्रेरियन बनने के लिए। अब आगे देखते हैं सैलरी का। ठीक है, सैलरी पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे चयन होगा आपका। तो वेतन का बात करें तो ये हम डाटा जो है आपको दिसंबर 2022 के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि दिसंबर 2022 में ये सैलरी क्या हो सकता है, क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेड पे जो होगा आपको प्लस टू स्कूल में लाइब्रेरियन का वो 2400 ग्रेड पे होगा। ठीक है, हाई स्कूल के टीचर के इक्विवेलेंट। तो मूल वेतन जो है इसका आपको प्रथम 2 वर्ष तक, पता होगा आप लोगों को कि ग्रेड पे 2 वर्ष तक नहीं मिलता है। ठीक है, ग्रेड पे 2 वर्ष तक आपको नहीं मिलेगा। तो मूल वेतन प्रथम 2 वर्ष तक आपका 15380 होगा। ठीक है, खाते में आपको 21000 के लगभग आएगा, और मूल वेतन 2 वर्ष बाद जो है वो 22480 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, और खाते में आपको 22480 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष बाद, और खाते में आपको 31000 के लगभग, ठीक है, दिसंबर 2022 के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, ये होता है सैलरी लाइब्रेरियन का। इसके बाद डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन का जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, आखिर कैसे आपका चयन होगा, कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेधा अंक के आधार पर, मेरिट पॉइंट के आधार पर आपका चयन होगा। वर्तमान में जो अभी तक नियमावली 2020 जो है उसके हिसाब से हम बात करें तो नियमावली 2020 में जो प्रावधान है उसमें ग्रेजुएशन का परसेंटेज मार्क्स और प्लस बिलिब या बिलिस का जो आपका परसेंटेज मार्क्स है दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता था और वो आपका मेधा अंक होता था। ठीक है, अभी नियमावली 2020 के हिसाब से, लेकिन जो नियमावली 2023 संभावित है, ये प्रपोज्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो संभावित जो आपका होगा मेरिट पॉइंट कैसे बनेगा, तो STET के लाइब्रेरी साइंस, जैसे कि पीछे हम डिस्कस किए कि लाइब्रेरी साइंस में STET क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो STET लाइब्रेरी साइंस में जो आपका परसेंटेज मार्क्स होगा उसके आधार पर ही
ठीक है, उसके आधार पर ही आपका मेरिट बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है नियमावली 2023 के हिसाब से। बाकी जो जब नियमावली 2023 आ जाएगा उसमें आपको फिर बाद में क्लियर होगा कि आखिर क्या है प्रोविज़न मेरिट बनाने का। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर बहाली जो है कब तक होगा। तो पीछे आप लोग जैसे देखे कि STET लाइब्रेरी साइंस में क्वालिफाई होना अनिवार्य है इसके लिए। ठीक है, तो STET अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी साइंस में STET एक भी बार अभी तक नहीं कंडक्ट किया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में, लेकिन ये संभावित है। तो सबसे पहले जब क्वालिफिकेशन में आपको STET लाइब्रेरी साइंस में क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तो जो लोग बिलीव या बिलिस होंगे वो पहले STET में बैठेंगे। STET यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद जब बहाली आएगा तब आप बहाली में अपियर हो पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये है कि 2023 में बस STET पहले हो जाए। लाइब्रेरी साइंस का ये बहुत ज़रूरी है बहाली के लिए, सबसे पहले कि STET कंडक्ट हो जाए और जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात है कि बहाली जो आएगा इसका अलग से आएगा या 7th या 8th फेज में आएगा। जैसे पता है आप लोगों को कि टीचर का जो बहाली होता है वो 7वां चरण 8वां चरण, जैसे अभी 6ठा चरण कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब 7वां चरण आएगा, उसके बाद फिर 8वां चरण आएगा। ठीक है, तो 2023 में यदि STET कंडक्ट होता है और उससे पहले 7वां चरण आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब है कि 7वां चरण में जो है लाइब्रेरी का सब्जेक्ट, लाइब्रेरी का वैकेंसी जो है वो नहीं निकल पाएगा, फिर ये 8th फेज में आएगा। या ये भी हो सकता है कि अलग से, जैसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर वगैरह का हुआ अलग से निकाल करके उसको बहाल करवा लिया गया, उसी ढंग से हो सकता है कि अलग से STET लाइब्रेरी साइंस के लिए कंडक्ट हो जाए, या 2023 में जो STET होगा उसी के साथ लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट दे दिया जाए और अलग से लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकाला जा सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर के यही था लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, बिहार में प्लस टू स्कूल में कैसे लाइब्रेरियन का बहाली होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।